सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल योर हॉस्पिटैलिटी ट्रेनर। सो आज का जो वीडियो है ना, इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करूंगा होटल मैनेजमेंट कोर्सेज के बारे में। कितना टाइप्स का कोर्स है होटल मैनेजमेंट का, चाहे वो डिग्री हो, डिप्लोमा हो, एमबीए हो, कौन सा कोर्स आप लोगों के लिए सही रहेगा, कौन सा बेस्ट कोर्स है और कौन सा कोर्स करके आप लोग एग्जीक्यूटिव सर बन सकते हैं, जनरल मैनेजर बन सकते हैं, मैनेजर बन सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, और जो लोग मेरे चैनल पर पहले बार आए हैं, मेक श्योर यू गाइस सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आज का जो वीडियो है ना, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात बताना चाहता हूँ कि अभी आप लोग अगर इंडिया के बाहर, मतलब चाहे वो कुवैत हो, दुबई हो, मलेशिया हो, कतर हो, जहां पर भी आप लोग जॉब करना चाहते हैं, अगर इंडिया के बाहर जॉब करना चाहते हैं, तो मेरे पास अभी वैकेंसीज है। मेरे को आप लोग इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम पे आप लोगों को मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक दे दूंगा। आप लोग वहां से मेरे को डीएम कर सकते हैं, मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं, ओके? और जो लोग इंडिया में जॉब चाहिए, जिन लोगों को थोड़ा है, उतना भी ज़्यादा वैकेंसीज नहीं है लेकिन है, आप लोग मेरे को डीएम कर सकते हैं, ओके? मैं 100% आप लोगों का जॉब दिलवाऊंगा इस पैंडेमिक के टाइम पे। तो मेरे को सिंपली इंस्टाग्राम पे डीएम करो। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो शुरू करते हैं। देखिए कौन सा, मतलब मेरे को हमेशा इंस्टाग्राम पे ना गाइस डीएम आते रहता है कि कौन सा कोर्स हम लोगों के लिए सही रहेगा, मतलब डिग्री करना सही रहेगा, डिप्लोमा करना सही रहेगा, एमबीए करना सही रहेगा। तो मैं सिंपली एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि चाहे आप डिप्लोमा कीजिए, चाहे आप एमबीए कीजिए, चाहे आप डिग्री कीजिए, कुछ भी कीजिए, आप लोग मैनेजर कोई भी कोर्स करके बन सकते हैं, जनरल मैनेजर भी बन सकते हैं, एग्जीक्यूटिव सेफ भी बन सकते हैं, फूड एंड बेवरेज मैनेजर भी बन सकते हैं, फ्रंट ऑफिस मैनेजर भी बन सकते हैं, एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर भी बन सकते हैं, चाहे कोई भी एक कोर्स करे। अभी डिग्री के अंदर या डिप्लोमा बोलिए, जितना भी कोर्स है, ये सब जो डिप्लोमा डिग्री, इसके अंदर में बहुत सारा अभी न्यू कोर्स निकल के आ गया है, लेकिन उतना तो मेरे को पता नहीं है, मतलब सब कोर्स के बारे में तो पता नहीं है, लेकिन जो जेन्युइन कोर्स है, जो टाइम पे, मतलब जब मैं होटल मैनेजमेंट किया था उस टाइम पे जो सब कोर्सेस अवेलेबल था, जो सब बेस्ट कोर्स था, वही सब आज मैं डिस्कस करूंगा, जिसको करके आप लोगों का फ्यूचर सिक्योर हो सकता है। लेकिन एक चीज है कि होटल मैनेजमेंट का चाहे आप कोई भी कोर्स करें, आप लोगों को 100% जॉब मिलता है। मेरे को वो सब कोर्स के बारे में अभी एग्जैक्ट पता नहीं है, ओके? इसीलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ, लेकिन वो सब भी कोर्स बहुत बढ़िया है। लेकिन अभी कुछ जो मेरे को नॉलेज है, जो कोर्स मैं जानता हूँ, वही कोर्स आप लोगों के लिए मैं रिकमेंड करूंगा, बताऊंगा एक एक करके, ओके? तो सबसे पहला डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट। आप लोग डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट कर सकते हैं, ओके? बहुत अच्छा कोर्स है। आप लोग डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट कोर्स करने के बाद आप लोग फाइव स्टार होटल में आप लोगों का जॉब लगेगा। करते हैं सेम लेवल से, एसोसिएट लेवल से होके, एग्जीक्यूटिव होके, देन आपका मैनेजर होके, असिस्टेंट मैनेजर होके, मैनेजर होके, डायरेक्टर होके, जनरल मैनेजर, ओके? हो सकते हैं, डोंट वरी। चाहे आप डिप्लोमा कीजिए, डिप्लोमा का कोई भी कोर्स कीजिए, डिप्लोमा पर्टिकुलर आप लोग अगर पैशनेट है कि किचन के लिए, तो पर्टिकुलर डिप्लोमा का जो कोर्स है, मतलब डिप्लोमा इन क्यूलिनरी, डिप्लोमा इन फूड एंड बेवरेज सर्विस, आप लोग पर्टिकुलर अगर फूड एंड बेवरेज में पैशनेट हो, अगर किचन में पैशनेट हो, तो पर्टिकुलर वो सब भी आप लोग कर सकते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि डिप्लोमा इन क्यूलिनरी, डिप्लोमा इन फूड एंड बेवरेज सर्विस, ओके? डिप्लोमा के ये सब कोर्सेस है जो आप लोग कर सकते हैं। अभी डिग्री में आते हैं। डिग्री में सबसे, मतलब जो सब कोर्स मैं जानता था, जो मेरे टाइम से अवेलेबल है, वो मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप लोगों को धीरे धीरे कोर्स करना है, मतलब आराम से कोर्स करना है, एग्जाम आराम से क्लियर करना है, देन आप लोगों को ट्रेनिंग भी आराम से करना है और फिर जॉब में जाना है, तो बस BHMCT इज अ बेस्ट कोर्स गाइस, बैचलर डिग्री इन हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट कैटरिंग टेक्नोलॉजी, ओके? ये एक बेस्ट कोर्स है। BHM भी बहुत अच्छा कोर्स है, बैचलर इन होटल मैनेजमेंट। BHSM बैचलर डिग्री इन हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, ये भी बहुत बढ़िया कोर्स है, ओके? तो BHSM बैचलर डिग्री इन हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, अभी ये 1 ईयर का टोटल कोर्स है, 6 मंथ्स टू 1 ईयर का आप लोगों का इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होता है, जिसको हम लोग इंटर्नशिप बोलते हैं, ओके? उसके बाद, मतलब पहले जब मैं किया था BHSM, मैं BHSM किया था, तो उस टाइम पे 3 ईयर्स का था, 6 मंथ्स का इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग था, लेकिन वो कोर्स अभी 4 ईयर्स का हो गया है। तो अगर आप लोगों को 4 ईयर्स
करना है कोर्स, आराम से करना है, आराम से एग्जाम क्लियर करना है, देन आप लोगों को आराम से जॉब लेना है, कैंपसिंग में बैठ के जॉब लेना है, तो आप लोग ये सब कोर्स कर सकते हैं। जैसे 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 मैं बोला कि BHMCT, BHM, BHSN, ये सब आप लोग कर सकते हैं। BHMCT, BHM, BHM, BHSN, ओके, ये सब कर सकते हैं। अभी अगर आप लोगों को बहुत फास्टली ग्रो करना है, मतलब बहुत फास्टली, मतलब इंटरव्यू, मतलब आप लोग एडमिशन लिए, कॉलेज कर रहे हैं, क्लास कर रहे हैं, कैंपसिंग हुआ और जल्दी जल्दी आप लोगों को जॉब चाहिए, तो आप लोग BSc इन होटल मैनेजमेंट कीजिए, क्योंकि ये 3 इयर्स का कोर्स है। लेकिन एक चीज़ है, बहुत फास्ट आप लोगों को यहाँ पे काम करना पड़ेगा, मतलब पढ़ाई करना पड़ेगा। कब एडमिशन लिए, कब कब पढ़ाई कर रहे हैं, कब मतलब एग्जाम दिए, कब कैंपसिंग दिए, कब जॉब हो गया, कुछ पता नहीं चलेगा। बहुत फास्टली है, बहुत बहुत फास्ट, मतलब बहुत फास्ट कोर्स है, बहुत फास्ट कोर्स है, ओके, बहुत 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 स्पीड से आप लोग जाएंगे, तो थोड़ा सा प्रेशर रहता है। लेकिन आप लोग अगर जल्दी से जॉब चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पे 6 मंथ्स का आप लोगों को इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग है। लेकिन अभी क्या सब्जेक्ट्स में कुछ डिफरेंट है क्या? ड्यूरेशन में तो मैं ये सब बता ही दिया। नो, सब्जेक्ट में कुछ डिफरेंट नहीं है। अगर 4 इयर्स का जितना भी कोर्स अभी मैं बोला, वो जो 4 इयर्स का जितना भी कोर्स है ना, वो कोर्स अगर आप लोग करते हैं तो वहां पे क्या होगा कि जितना भी सब्जेक्ट्स है ना, धीरे 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 4 इयर्स में आप लोगों का खत्म हो जाएगा, ओके। लेकिन 3 इयर्स में क्या होगा, वही सब सब्जेक्ट्स है जो आप लोगों को करना है, लेकिन बहुत ही फास्ट तरीके से, बहुत ही जल्दी करना है, ओके, क्योंकि 3 इयर्स। तो यही है, ज्यादा कुछ नहीं है, ड्यूरेशन का ही जितना जो डिफरेंट है। अदरवाइज आप लोगों का सब्जेक्ट्स सेम सब्जेक्ट्स है, कोई भी कोर्स करो, सेम सब्जेक्ट्स आप लोगों को करना होता है। तो इसमें मेन सब्जेक्ट जो आप लोगों का कोर डिपार्टमेंट रहता है, वो आप लोगों का है फ्रंट ऑफिस, फूड एंड बेवरेज सर्विस, देन आपका फूड प्रोडक्शन, देन हाउसकीपिंग। ये चार आप लोगों का कोर डिपार्टमेंट है। ये चार डिपार्टमेंट में ही आप लोग स्पेशलाइजेशन करते हैं। उसके बाद आपका आता है अदर्स डिपार्टमेंट्स है, जैसे आपका ह्यूमन रिसोर्स है, HR, देन फाइनेंस है, देन आप लोगों का फैसिलिटी मैनेजमेंट है, न्यूट्रिशन एंड फूड साइंस, कंप्यूटर फंडामेंटल्स, देन ऐसा करके बहुत सारा ऐसा कम्युनिकेशन, सॉफ्ट स्किल्स डेवलपमेंट, ओके, ऐसा करके बहुत सारा आप लोगों का जो मतलब सब्जेक्ट्स है वो है, वो आप लोगों को क्लियर करना पड़ता है, ओके। सो अगर देखा जाए तो हम लोगों का मतलब होटल मैनेजमेंट में टोटल 13-15 सब्जेक्ट्स होता है, ओके। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि होटल मैनेजमेंट करना बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मतलब इजी है, सिर्फ 4 सब्जेक्ट्स है, पढ़ाई लिखाई नहीं है, आराम से कोर्स ख़त्म कर लेंगे और आराम से जॉब में लग जाएंगे, जॉब लग जाएगा, कोर्स ख़त्म हो जाएगा, जॉब लग जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पर भी ये प्रेशर झेलना पड़ता है। तो अगर प्रेशर झेल सकते हो तभी इस इंडस्ट्री में आओ, नहीं तो नहीं आओ, क्योंकि यहाँ पे पढ़ाई लिखाई बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ही ज़्यादा करना पड़ता है, ओके, प्रैक्टिकली भी सेंस रहना पड़ता है और आप लोगों को ऐसे थ्योरेटिकली नॉलेज भी बहुत ज़्यादा चाहिए। नॉलेज आप लोगों का 50%, ओके, थ्योरेटिकली नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज 50%। इसमें से कोई अगर एक कभी कमी हो गया ना, मतलब आप लोग अगर प्रैक्टिकली स्किल्स, आप लोगों का वर्किंग स्किल्स बहुत अच्छा है, नॉलेज कुछ नहीं है, अब नॉलेज अच्छा है, प्रैक्टिकल स्किल्स अच्छा नहीं है, तो क्या होगा, आप लोगों के लिए ये खराब है, मतलब आप लोगों को प्रमोशन नहीं मिलेगा, इंक्रीमेंट नहीं होगा जल्दी से, इंडस्ट्री में जल्दी ग्रो नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये दोनों में से ही, दोनों में मतलब जैसे मैं बोल रहा हूँ कि 50% आपका नॉलेज, 50% आपका प्रैक्टिकल नॉलेज और 50% आपका थ्योरेटिकल नॉलेज, ये दोनों जब एक साथ रहेगा ना, 50-50, 100%, मतलब 50% प्रैक्टिकल नॉलेज, 50% थ्योरेटिकल नॉलेज, तभी आप लोग इंडस्ट्री में ग्रो कर सकते हैं, ओके। क्योंकि इंटरव्यू में आप लोगों को प्रैक्टिकल नहीं दिखाता है, करके नहीं दिखाना पड़ता है, आप लोगों को बोलना पड़ता है नॉलेज, तो नॉलेज
नॉलेज रहना है होगा, ओके। और जब इंडस्ट्री में घुस गए हैं तो आप लोगों को जब मतलब इंटरव्यू में जब आप लोग फ्रेशर्स हैं इंटरव्यू दे रहे हैं तो उस टाइम क्या करना पड़ता है कि आप लोगों को कम्युनिकेशन चेक करता है, आप लोगों को कितना बोल पा रहे हैं, कितना आप लोगों का नॉलेज है वो देखता है, राइट। उसके बाद जब एक बार इंडस्ट्री में चले जाते हैं ना, जब इंडस्ट्री में काम करने लगते हैं तो दोनों चीज़ देखा जाता है, आपका वर्किंग स्किल्स कितना अच्छा है, आपका नॉलेज कितना है, ओके। तो अगर दोनों ही अच्छा रहेगा तो इंक्रीमेंट बहुत ही फास्ट होगा, इंडस्ट्री में बहुत ही ज्यादा बहुत ही जल्दी ग्रो करेंगे, नहीं तो ग्रो करेंगे लेकिन थोड़ा लेट हो जाएगा। नहीं तो अगर ये सब नहीं रहेगा तो मतलब अगर धीरे धीरे अगर ऐसे थिंकिंग लेके चलेंगे वो करना है कोई मतलब जल्दबाजी नहीं है तो करो ना बॉस, कौन रोक रहा है 15-20 साल में जनरल मैनेजर बनना, कौन रोका है। लेकिन अगर फास्टली करना है, इस इंडस्ट्री में फास्टली ग्रो करना है ना, तो लग जाओ बस अभी से, तभी जाके 6 to 8 years में जनरल मैनेजर बन सकते हैं। यस, इज इट पॉसिबल गाइस, इट इज पॉसिबल। मतलब आप लोग ट्रस्ट मी गाइस, इट इज पॉसिबल। आप लोग विश्वास कीजिए, ये पॉसिबल है। अभी बहुत सारे लोग बोलेंगे कि कैसे बोल दे रहे हो 5 साल में जनरल मैनेजर बन जाएंगे, एग्जीक्यूटिव सेफ बन जाएंगे, 5 साल में, 6 साल में, 8 साल में जनरल मैनेजर बन जाएंगे, कैसे? नहीं होता है, होता है लेकिन आप लोग ही कर सकते हैं, आप लोग ही करेंगे, ओके। क्योंकि इस इंडस्ट्री का, इस होटल इंडस्ट्री का थोड़ा सा पर्सनालिटी को देखो, जो लोग सक्सेसफुल हो चुके हैं, जो सक्सेसफुल पर्सनालिटी है वो लोग कितना अच्छे से, कितना जल्दी ग्रो किए हैं, ओके। सिर्फ यही देख लो उनको, उन लोगों को ही देख लो, ओके। तो आप लोग भी कर सकते हैं और ये पॉसिबल है, मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ क्योंकि मैं अभी प्रेजेंट हूँ इंडस्ट्री में, मैं देखता हूँ एवरी डे चीज़ देखता हूँ इंडस्ट्री में कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, कितना टाइम लगता है, कहाँ कहाँ पे क्या क्या मिस्टेक्स होता है। जो मैं मिस्टेक करता हूँ वो आप लोगों को नहीं करने दूंगा, इसीलिए चैनल है और इसीलिए मैं हूँ आप लोगों के पास, ओके। आप लोगों को गाइड करने के लिए, आप लोगों को परफेक्ट एक रोड ट्रैक देने के लिए। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने हर फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, ताकि जो लोग बोलते हैं ना कि कोई भी कोर्स करना है, मतलब ये कोर्स करो तभी जनरल मैनेजर बनोगे, ये कोर्स करो तभी जाके एग्जीक्यूटिव सेफ बनोगे, उन लोगों का जो माइंडसेट है ना वो माइंडसेट चेंज हो सकता है ये वीडियो से। सो अच्छे से दिखाओ उन लोगों को, ओके। कोई भी कोर्स करो आप लोग आराम से जनरल मैनेजर भी बन सकते हैं, मैनेजर भी बन सकते हैं, आप लोग एग्जीक्यूटिव सेफ भी बन सकते हैं, आप लोग एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर भी बन सकते हैं, ओके। और कुछ नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ ये नॉलेज, प्रैक्टिकली नॉलेज और थ्योरेटिकली नॉलेज और कम्युनिकेशन स्किल्स और आपका ओवरऑल स्मार्टनेस का ही खेल है सब कुछ इस होटल इंडस्ट्री में, और कुछ नहीं है गाइस। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, बाय बाय।